Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So friends, आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं NIEEE University 2021 के बारे में. आज हम स्टूडियो में NIEEE University 2021 के बारे में हर एक डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, एडमिट किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ NIEEE University 2021 का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से हम इस यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन ले सकते हैं, किस तरह से एडमिशन हमें मिल सकता है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, हर एक चीज़ पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर NIEEE यूनिवर्सिटी 2021 के रिगार्डिंग कोई भी नया अपडेट आता है या कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं NIEEE यूनिवर्सिटी 2021 के बारे में और डिटेल में जानना. तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर पर जो है google.com ओपन कर लेना होगा, और google.com ओपन करते ही आपको वहाँ पर जो है सर्च करना है NIEEE University 2021, और आगे लिखना होगा cet.co.in. अब आप लोगों का cet.co.in लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि एक ऐसे एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको NIEEE यूनिवर्सिटी की कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने मिलेगी. उसी के साथ ये जो वेबसाइट है वो NIEEE की यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके साथ भी अपडेट होती रहती है. तो आपको सिंपली इसे गूगल में सर्च कर लेना होगा. जैसे आप इसे गूगल में सर्च करेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा NIEEE यूनिवर्सिटी 2021 एप्लीकेशन फॉर्म एग्ज़ाम डेट्स, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर देना होगा. जैसे आप उस पर क्लिक करके उसे ओपन करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको NIEEE यूनिवर्सिटी की फुल कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है जानने को मिल जाएगी. लाइक सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोगों को NIEEE यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट जिसे भी उसमें एडमिशन चाहिए उसे जो NIEEE का जो NIEEE यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसीजर है उससे क्वालिफाई करना होगा. और दूसरा जो है चीज़ जो देखी जाएगी वो है उनका जो पास क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है उसके मार्क्स. ये दो चीज़ के बेसिस पे उन्हें जो है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाएगा. उसी के साथ ये जो यूनिवर्सिटी वो UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा अप्रूव्ड है ये यूनिवर्सिटी, जो कि मैंगलोर कर्नाटका में सिचुएटेड है NIEEE यूनिवर्सिटी. उसी के साथ साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है BSc, MBBS, BDS, BPT, BFarm, BArc, BJMC एंड पोस्ट बेसिक BSc में जो है नर्सिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन मिल सकता है अंडर ग्रेजुएट लेवल में. और उसी के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की बात की जाए तो MD, MS, MPH, MHC, MPT, MJMC, MFarm, MSc कोर्सेज में यहाँ पे उन्हें एडमिशन मिल सकता है. तो आइए अब हम और डिटेल में बात करेंगे NIEEE यूनिवर्सिटी के हाइलाइट्स के बारे में. ताकि उसका फुल फॉर्म तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, NIEEE यहाँ पे उसका खाली बता दिया कि डीम यूनिवर्सिटी है. फिर उसके बाद यहाँ पे बता दिया कि टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी की बात करें तो UG और PG लेवल है. लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो है नेशनल लेवल है. यहाँ पे जो है UG और PG के अलग अलग बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, और जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी इसकी वो UGC है, मीन्स उसके द्वारा ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जाता है. नेक्स्ट अगर बात की जाए अगर तो एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन मोड जो ऑनलाइन मोड में रिलीज़ होता है यानी कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ होगा. और या नेक्स्ट यहाँ पे एग्ज़ाम मोड आप देख सकते हैं, ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा, पेन पेपर बेस्ड आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा. नेक्स्ट बात की जाए ड्यूरेशन की तो 3 घंटे रहेंगे, 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना रहेगा. अब बात करेंगे अब क्विक लिंक्स के बारे में. सो गाइस यहाँ पे आपको जितनी भी क्विक लिंक्स दिखाई दे रही है सारी की सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. वहाँ से अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको सिंपली उसके सामने जो क्लिक कर पे क्लिक करना होगा, और वहाँ से आप आसानी से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और डिटेल में जान पाएंगे. डेट्स की बात की जाए तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है जनवरी में रिलीज़ होता है, और बाकी डेट्स अभी तक रिलीज़ नहीं की ऑफिशियल्स के द्वारा. जैसे ही कोई भी डेट्स रिलीज़ होती है हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, आपको नोटिफाई कर देंगे. नेक्स्ट बात करेंगे अब एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में. सो गाइस NIEEE यूनिवर्सिटी 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उतनी ज़्यादा सावधानी अलर्ट रखने की ज़रूरत है आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है. सो गाइस एक और जो सबसे बड़ा इशू स्टूडेंट फेस करते हैं NIEEE यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग वो ये है. Sí.
कहा जाता है कि उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि किस साइज़ और किस फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करके जो अपलोड करना रहता है, तो किसी भी साइज़ और किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर देते हैं, जिस वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। सो गाइस, आप लोगों के साथ एहसान हो, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन दबा के रखना है, क्योंकि हम जो आगे NIEEE यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें हम आप लोगों को जो लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताएंगे, साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से अपना डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर स्कैन करना है, कितने साइज में सेव करना है, कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है, हर एक चीज़ फुल डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो में बता दी जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया हो, ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो। अब बात करेंगे हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो गाइस, NIEEE यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है सेटिस्फाई करना होगा। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते तो आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आप लोगों इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो गाइज़, इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप सिंपली क्लिक करके हर एक चीज़ का जो है फुल डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं MBBS और BDS कोर्स के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, BSc, BPT, BSc हॉर्न्स के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, BPharm कोर्स के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, BR के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया है, BJMC के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया है। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से दिखाई दे। फिर उसके बाद BJMC के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, MDMS कोर्स के लिए अलग है, MDS कोर्स के लिए अलग है, यानी कि इस यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, हर एक कोर्स के लिए आपको यहाँ पे जो अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। तो आप सिंपली इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के द्वारा। अब आ जाता हूँ नेक्स्ट रिजल्ट पे। सो गाइस, इसका रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, आपको नोटिफाई कर देंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जिस पे एक क्लिक के थ्रू आप आसानी से अपना रिजल्ट जो है चेक कर पाएंगे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी इशू को फेस किए बिना। और आप साथ ही साथ आप लोगों को वीडियो में ये भी बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको जो है रिजल्ट चेक करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में जो है फुल डिटेल में बता दी जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे काउंसलिंग की। सो गाइस, काउंसलिंग या जो है आपको जो है सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो है ग्रुप GD यानी कि PI और जो है GD यानी कि ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू आप लोगों का लिया जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर के हो जाएगा, उसके बाद आपको ये दो राउंड से गुजरना होगा, लाइक ग्रुप डिस्कशन है, पर्सनल इंटरव्यू, और ये दोनों ही राउंड में आपको सारे के सारे आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट जितने भी है वो आपके साथ लाने होंगे वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आपको जो है वहाँ पे वेरिफिकेशन भी किया जाएगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स फिल किए वो सारे के सारे जो सही तो नहीं है, और अगर फेक डॉक्यूमेंट्स निकले आपके इंटरव्यू के टाइम पे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो गाइस, आई होप कि अभी आप लोगों को जो है NIEEE यूनिवर्सिटी 2020 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया या कोई और इशू फेस करते हैं आप, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोले, मैं ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है हेल्प हुई और नॉलेज मिली हो NIEEE यूनिवर्सिटी के बारे में, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।